अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आया हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को लेकर। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को लेकर 2020 कब निकलेगा रिजल्ट। दोस्तों अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आया, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आया है, देख सकते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से। दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से खबर निकल के आया है बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 2020। हेलो फ्रेंड्स, सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट कब निकलेगा। आपको पता होगा इंटर का रिजल्ट इस बार काफ़ी जल्दी निकल गया, लेकिन दोस्तों मैट्रिक का रिजल्ट भी जल्दी निकल जाता लेकिन लॉकडाउन अगर नहीं होता तो। ठीक है, अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों इस बारे में बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की प्रोसेस जान लेते हैं। आर्टिकल में आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों रिजल्ट कब निकलेगा। देख सकते हैं दोस्तों आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और रिजल्ट कैसे रिलीज होगा, कब रिलीज होगा और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसमें पूरा फुल टू फुल प्रोसेसेस बताया गया है दोस्तों, तो इसको विस्तार से समझ लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं बाहर से थोड़ी आवाज़ें आ रही है दोस्तों, लेकिन प्लीज़ उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। चलिए दोस्तों बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से देख सकते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये कुछ इस तरह का ऑफिशियल साइट है, देख लीजिए बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आप इस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस पर नहीं है तो आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आके डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट होम पेज पे आ जाइएगा, वहां से आप अपना रोल कोड रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की प्रोसेस पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसका देख सकते हैं आप रिजल्ट पेज पर रोल नंबर रोल कोड डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नीचे आपको सभी बाय स्टेप बताया गया है दोस्तों रिजल्ट कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार बोर्ड की तरफ से देख सकते हैं दसवीं कक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा ताकि छात्र आसानी से अपने परिणामों को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकें। दोस्तों इसके लिए आपको रोल कोड रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता ही बता ही दिया मैंने, और रोल कोड रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर रोल कोड रोल नंबर आपको नहीं चेक करना होगा तो मेरे को प्लीज़ कमेंट पर रोल कोड रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको मैसेज कर दूंगा, आप अपना आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कब इसका रिजल्ट घोषित होगा। देख सकते हैं दोस्तों ज़रूरत होगी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल में प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन रिलीज किया जा सकता है, कर दिया जाएगा। दोस्तों छात्र बिहार बोर्ड दसवीं का परिणाम 2020 की उम्मीद कर सकते हैं अप्रैल में। दोस्तों अप्रैल में आप जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग अप्रैल में इसका इंतजार कर सकते हैं, अप्रैल में अंतिम सप्ताह में इसका डाउनलोड रिलीज कर दिया जाएगा दसवीं का रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, अगर देख सकते हैं अंतिम सप्ताह में, क्योंकि इसके कापी के मूल्यांकन 14 अप्रैल तक रोक दिया गया था दोस्तों, रोक दिया गया है लॉकडाउन के कारण। दोस्तों 14 अप्रैल तक इसका कापियों का जो मूल्यांकन है, जो जांच है, उसकी 14 अप्रैल तक रुका हुआ है, 14 अप्रैल के बाद इसका चालू हो जाएगा। तो आपको अगले हफ्ते में, जैसे कि 14 अप्रैल के बाद 22-23 तारीख तक या तो 25 तारीख तक आपका ये दसवीं का जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, तो आपको ऑफिशियल साइट बता दिया गया है, नहीं तो आप हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आके उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों धन्यवाद, इतने के लिए ये नया न्यू अपडेट निकल के आया तो मैं इसलिए बना दिया वीडियो। आप प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के पास शेयर करने से क्या होगा कि आप उनका भी भला कर सकते हैं, उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय वंदे मातरम। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे कुछ भी, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।